नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के नंबर वन बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक हो रही है। बता दें, बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की यह बैठक बेहद खास है। उम्मीदवारों के नाम पर मंथन इस बैठक में हो रहा है। बैठक में छत्तीसगढ़ के सीएम साय भी पहुंच चुके हैं, तो बेहद खास इस बैठक को माना जा रहा है, क्योंकि चुनाव नजदीक है और चुनावों से पहले उम्मीदवार कौन कौन होंगे, किसे मैदान में उतारा जाएगा, किस पर भरोसा जताया जाए, ये तमाम वो पहलू है जिन पर मंथन हो रहा है इस खास बैठक में। और लंबी ये बैठक चलेगी और ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि ये बैठक खत्म होने के बाद नाम जारी कर दिए जाएंगे। जो पहली सूची है नामों की, वो जारी हो जाएगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। उम्मीदवारों के नाम पर मंथन इस बैठक में हो रहा है। सीएम साय भी पहुंच चुके हैं और ये बैठक की शुरुआत हो चुकी है। अब जो है ये माना जा रहा है कि जल्द ही ये बैठक के बाद नामों की सूची सामने आ जाएगी, पहली सूची जारी कर दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। ये बड़ी बैठक होगी जिसमें दिग्गज भी शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री की मौजूदगी रहेगी, जेपी नड्डा रहेंगे, पीएम मोदी रहेंगे, साथ ही साथ सीएम जो है वो भी मौजूद इस बैठक में रहेंगे। बेहद खास इस बैठक को माना जा सकता है, क्योंकि आगामी दिनों में लोकसभा चुनाव है और चुनावों को लेकर के उम्मीदवारों को मैदान में उतारना, टिकटों का बंटवारा करना, इन पर मंथन लगातार बीजेपी में चल रहा है और बैठकें लगातार चल रही थी। नाम ऑलमोस्ट फाइनल हो चुके हैं। सीईसी की बैठक है जिसमें अब इन नामों पर मुहर लगनी है और मुहर कुछ ही देर में लग जाएगी, जिसके बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि आज ही पहली सूची जारी हो जाएगी। ये भी आपको बता दें कि बीजेपी का पूरी तरह से फोकस छत्तीसगढ़ पर है। फोकस 11 की 11 सीटों को जीतना है, फतह हासिल करनी है और इसी को लेकर के लगातार बीजेपी लगी हुई है बैठकों में, मंथन करने में। और ये बैठक की शुरुआत अब हो चुकी है जिसमें दिग्गजों का जमावड़ा है। मंथन पहले भी हो चुका है, अब ये जो सूची है लेकर के सीएम साय पहुंचे हैं दिग्गजों के बीच। अब फाइनल मुहर लगेगी दिग्गजों के द्वारा, उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आज ही पहली सूची जारी हो जाएगी उम्मीदवारों की। तो ये लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी बैठक है, केंद्रीय चुनाव समिति की ये बैठक, इसमें नामों पर मुहर लगेगी। छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी घोटाले पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी ने सीजीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष रमन सिंह सोनवानी और संबंधित अधिकारियों के विदेश भागने की आशंका जताई है। बीजेपी ने सीबीआई और राज्य की पुलिस से आरोपियों के पासपोर्ट को रद्द करने की भी मांग की है। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी नेता गौरी शंकर श्रीवास ने आशंका जताते हुए कहा कि सीजीपीएससी के घोटालेबाज टामन सिंह सोनवानी और उसके सहयोगियों के देश छोड़ने की आशंका जताई है। सीबीआई और पुलिस से इनके पासपोर्ट रद्द करने की मांग की गई। गौरी शंकर ने कांग्रेस पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि कई कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम के ओएसडी आरोपियों को बचाने में लगे हैं। छत्तीसगढ़ पीएससी घोटाले की जांच अंतिम दौर में है, लगातार एफआईआर हो रही है, सीबीआई को जांच हमने सौंप दी है। बड़े शर्म का विषय है, भूपेश बघेल जी के खास सहयोगी रहे टामन सिंह सोनवानी भगोड़ा बनकर भाग खड़े हुए हैं, उनके सहयोगी भी भाग खड़े हुए हैं। मैं सीबीआई से और छत्तीसगढ़ पुलिस से अनुरोध करता हूं कि इनके पासपोर्ट को रद्द किया जाए। ये कभी भी देश छोड़कर भाग सकते हैं, जांच रुक सकती है। इधर सांसद सुनील सोनी ने कहा कि सीजीपीएससी के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, वो विदेश भागने की फिराक में हैं, लेकिन उनको छोड़ा नहीं जाएगा। जो छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करेगा वो जेल जाएगा, और उसको पूरा करके हमारे विष्णुदेव साय जी ने वो पीएससी घोटाले में जो है उसकी सीबीआई जांच की जो है मांग भी कर दी और उसकी अनुशंसा भी केंद्र को कर दी, और पाताल में भी रहेंगे तो निकाल लेंगे, चिंता की बात नहीं है। सीजीपीएससी घोटाले की जांच बीजेपी ने सीबीआई को सौंप दी है और जल्द ही जांच शुरू होगी। इधर सीजीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी समेत अन्य अधिकारियों पर बालोद में एक और एफआईआर दर्ज की गई है। ऐसे में जिस तरह से कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है, आरोपियों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक संबंधित आरोपियों का फोन भी बंद है और कई आरोपी फरार हैं। न्यूज 18 के लिए रायपुर से आकाश शुक्ला की रिपोर्ट।
लोकसभा चुनाव की बेला है, छत्तीसगढ़ में सियासत चरम पर है। कांग्रेस हार की हताशा से जूझते हुए लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है, तो वहीं जीत के बाद बीजेपी का जोश हाई है। सीटों को जीतने को लेकर दावे प्रतिदावे किए जा रहे हैं, एक दूसरे को चुनौती भी दी जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में चुनौती वाली सियासत शुरू हो गई है। वन मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस को चुनौती दी है, कहा है कि अगर हिम्मत है तो कांग्रेस एक सीट भी जीतने की बात कहे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ताकत खत्म हो चुकी है, अभी वे प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं, उसके बाद कार्यकर्ता ढूंढेंगे और फिर वोटर ढूंढेंगे। हिम्मत है कि किसी सीट में वो कहे कि हम यहाँ पर जीत के ही आएंगे। कांग्रेस के लोगों के पूरी तरीके से ताकत खत्म हो चुकी है और उनका वो जो जादुई तंत्र उनके तोते उड़ गए हैं और उसके कारण से अब उनकी स्थिति मरणासन हो गई और वो अब उबरने की स्थिति में नहीं है। वो तो अभी प्रत्याशी ढूंढने में लगे हैं, उसके बाद तो वोटर ढूंढने में, कार्यकर्ता ढूंढने में लगेंगे, फिर उसके बाद वोटर ढूंढने में लगेंगे, तब तक तो चुनाव बीत चुका हो। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस बार बीजेपी से ज्यादा सीट जीतेगी। दीपक बैज जिन्होंने चुनौती दी है और कहा है कि अगर बीजेपी में हिम्मत है तो अपने सांसदों को रिपीट करके दिखाएं। 10 में से एक सांसद को भी रिपीट नहीं किए, मतलब सोच लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का क्या हालत रहा। इस समय हम लोग फिर शुरू से कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के पास 11 में से 9 सांसद हैं, एक को भी रिपीट नहीं करेंगे। अगर केदार कश्यप जी में हिम्मत है तो फिर 11 को रिपीट करके बताए। मैं देता हूं चुनौती, हमको चुनौती दे रहे ना, मैं देता हूं चुनौती, उन्होंने 9 को 9 को रिपीट करके बताए, फिर देखते हैं किसकी ज्यादा सीटें आती है। सीटों की चुनौती, जीत के दावे, हराने का दम भरा जा रहा है, लेकिन फाइनल मुहर जनता की ही लगेगी। किसको जीत मिलेगी, किसको हार, इसके लिए इंतजार कीजिए। बस लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने ही वाला है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। बिलासपुर का जिक्र करते हैं, यहां पर शराबी शिक्षक पर गाज गिरी है। कलेक्टर के निर्देश पर डीईओ ने टीचर को सस्पेंड कर दिया है और एफआईआर के निर्देश भी दे दिए हैं। वहीं मामले की जांच बीईओ मस्तूरी कर रहे हैं। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर शराबी शिक्षक का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। बिलासपुर की तस्वीर जहाँ पर शराबी शिक्षक का ये ड्रामा देखने को मिला और उसके बाद ये वीडियो जैसे ही सामने आया संज्ञान लिया गया और निलंबित कर दिया गया है शिक्षक को। अब एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। पहचान पत्र दिखाओ, हमने प्रेस हो क्या हो यार, मैं दिखा रहा हूं सर, दिखा रहा हूं आपको, बताओ बताओ प्रेस हो क्या, ये देख लो, ये आना चाहिए, जाओ डीओ दिखाओ, के डीओ दिखा के कलेक्टर को जाओ, जाओ ये सब चखना आना चाहिए, जाओ क्या फाड़ोगे, जाओ आपको पीना है, नहीं पीना है मत पियो, अच्छा दूसरा वाला पी जाओगे ना, दूसरा वाला पी लो। कुमार केवट नाम का शिक्षक थे, तो उनको हमने उसका प्रतिवेदन मंगाया विकासखंड शिक्षा अधिकारी मस्तूरी से और उनको तत्काल निलंबित कर दिया गया है। और उनके विरुद्ध इस प्रकार से कार्य अशोभनीय था, निंदनीय था और इनके विरुद्ध न FIR दर्ज कराने के लिए भी निर्देश जारी किए हैं। अंबिकापुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। हॉस्टल में छात्र के सुसाइड मामले में छात्रावास अधीक्षक को सस्पेंड कर दिया गया और मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। आपको बताते चलें कि दरिमा छात्रावास में एक छात्र ने सुसाइड कर लिया था। मृतक छात्र का नाम मुकेश तिर्की था, 2 साल से छात्रावास में रहकर वो पढ़ाई कर रहा था और इसी मामले में अब संज्ञान लिया गया और ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। न्यूज 18 ने प्राथमिकता से इस खबर को दिखाया था, उसके बाद ये खबर का बड़ा असर हुआ। रायपुर से खबर का जिक्र करते हैं, जहां महादेव ऐप केस में आरोपी नीतीश दीवान को 3 दिन के रिमांड के बाद कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने इसको 14 दिन की न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया। तो वहीं नीतीश से पूछताछ में सौरभ के बारे में अहम जानकारी भी मिली है।
तो नीतीश दीवान कोर्ट में पेश हुआ है। महादेव ऐप से जुड़ा ये पूरा मामला है। 14 दिन की रिमांड में अब जेल भी भेजा गया है इसको। खबर रायगढ़ से है, जहां के डिग्री कॉलेज में साइंस डे के मौके पर नाटक में हिंदुओं का आस्था से खिलवाड़ के आरोप है, जिसको लेकर एबीवीपी ने आज कैंपस में प्रदर्शन किया और कॉलेज प्रबंधन से माफी की मांग भी की, जिसके बाद कॉलेज ने माफीनामा दिया, तब जाकर मामला शांत हुआ। आपको यह भी बता दें कि कल साइंस फेस्टिवल के दौरान एक छात्रा को साधु संतों के वेशभूषा पहनकर हिंदू धर्म का मजाक उड़ाने के आरोप लगे, जिसके बाद एबीवीपी से जुड़े छात्रों ने धरना दिया, जमकर नारेबाजी की, हवन और हनुमान चालीसा का पाठ किया। छात्रों ने कहा कि हिंदू धर्म का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कल हमारे कॉलेज में साइंस डे मना गया, जिसके अंदर साइंस के नाम पे साधु, एक बच्चे को साधु बनाया गया, जिसमें हमारे हिंदुओं का अपमान किया गया, साधुओं का अपमान किया गया और साधुओं को ढोंगी बताया गया। ये साइंस थोड़ी होता है। ये साइंस के नाम पे हमारे साधुओं का अपमान हुआ है जो हम नहीं सहेंगे। हम यहाँ पे आज आंदोलन कर रहे हैं और एक हवन कर रहे हैं मैम के नाम पे। मैम को सद्बुद्धि आए ताकि आगे से ये सब ना हो, और हमें लिखित में चाहिए कि आगे से ये नहीं होगा, और वो लोग हमसे माफ़ी मांगे कि हम साधु का अपमान नहीं करेंगे। हाँ, उनकी नाराजगी कारण ये था, कल विज्ञान दिवस था नेशनल, और उसमें एक छात्र द्वारा वस्त्र पहन कर आया था जिसके उन्होंने आपत्ति लगाई थी। कल भी आए थे मेरे पास, तब भी मैंने उन्हें बोला कि हमारे कॉलेज प्रशासन की ओर से हम क्षमा प्रार्थी हैं, और फिर भी वो ना माने, आज आ गए और हमने उन्हें सब लिखित दे दिया और माफ़ीनामा दे दिया है। और इसी बीच बड़ी खबर का जिक्र करते हैं। रायपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। दरअसल टेक ऑफ करने के बाद वापस लैंडिंग हुई, दूसरी फ्लाइट से यात्रियों को भेजा जाएगा। इंडिगो की रायपुर भोपाल फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। हालांकि क्या कारण रहे, क्या खामियां रही, किस वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी और दूसरी फ्लाइट में शिफ्ट करना पड़ा यात्रियों को, ये अभी जांच का विषय है। इस पर जांच पड़ताल हो रही है, अब तक इस बारे में जानकारी सामने नहीं आ पाई है। पर ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि रायपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई, टेक ऑफ करने के बाद वापस से लैंडिंग करानी पड़ी और दूसरी फ्लाइट से यात्रियों को अब भेजा जाएगा। इंडिगो की रायपुर भोपाल फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। तो फ्लाइट की लैंडिंग की गई है, इमरजेंसी लैंडिंग इंडिगो की रायपुर भोपाल फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, इंडिगो की रायपुर भोपाल फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग क्या वजह रही, क्या कारण रहे? जी देखिए, अभी जो तकनीकी खराबी की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करना बताया जा रहा है। इंडिगो की जो रायपुर और भोपाल फ्लाइट थी, इसकी इमरजेंसी लैंडिंग है वो कराई गई है। टेक ऑफ करने के बाद अचानक से इसे इमरजेंसी लैंडिंग कराया गया है, और एयरलाइन से इसकी टेक्निकली जो रीजन है वो बताया है। फिलहाल जो उसमें पैसेंजर थे उनके लिए अल्टरनेट अरेंजमेंट करने की बात कही गई है, और उसके बाद जो है टेकअप जैसे ही किया उसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। और फिलहाल इसकी जो यही जानकारी है, और ये रायपुर से भोपाल ये फ्लाइट है वो जा रही थी, और इसी दौरान कुछ तकनीकी खराबी आई जिसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग है वो कराई गई है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया युगल। रायपुर के 601 लोगों के फोन पुलिस ने लौटा दिए हैं। उन्हें किसी का फोन गुम हो गया था तो किसी की जेब से चुरा लिया गया था। पिछले कुछ महीनों में गुम और चोरी हुए इन मोबाइल फोन के मालिकों को पुलिस ने थाने बुलाया और मोबाइल फोन वापस लौटाए। बरामद किए गए कुल 601 नग कंपनियों के मोबाइल फोन की कीमत लगभग 1,25,00,000 रुपए बताई जा रही है। जिन्होंने फोन वापस पाए वो खुशी में भी नजर आए, पुलिस ने बुलाया और सभी को फोन उनके लौटाए। 1,00,00,000 से ज्यादा कीमत के ये सभी मोबाइल फोन बताए जा रहे हैं। मोबाइल जिसकी कीमत 1,25,00,000 के आसपास अनुमानित है, रिकवर किया गया है, और ये रिकवर करने के बाद मोबाइल मालिक है उनको वापस किया जा रहा है। ये अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी में से एक है। अभी तक हम लोगों ने कई बार छोटे छोटे संख्या में रिकवर करते थे, इस बार बड़ी संख्या में रिकवर किया गया। विशेष फोकस साइबर और क्राइम की टीम का रहा है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षा 1 मार्च यानी कि कल से शुरू होने जा रही है। इस साल 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए लगभग 6,10,000 स्टूडेंट फॉर्म
भर चुके हैं। 12वीं में 2,61,000 छात्र छात्राएं परीक्षा देंगे तो वहीं 10वीं के 3,45,000 छात्र छात्राओं ने परीक्षा के लिए आवेदन किया है। इस बार 2,475 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। राजधानी रायपुर में सबसे ज्यादा 150 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं और इसी तरह संवेदनशील परीक्षा केंद्रों की संख्या इस बार 100 है। ये अभी गत वर्ष की तुलना में कोई भी प्रक्रिया में परिवर्तन नहीं किया गया, जो गत वर्ष प्रक्रिया थी वही प्रक्रिया है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए। और इसी बीच बड़ी खबर का जिक्र करते हैं। सुकमा से एक खबर है जहां पर हेलीकॉप्टर से पहुंचाया गया है प्रश्न पत्र। जगरगुंडा के परीक्षा केंद्र पर यह प्रश्न पत्र पहुंचाया गया। सुरक्षा के मद्देनजर हेलीकॉप्टर से प्रश्न पत्र पहुंचा। 10वीं और 12वीं की परीक्षा होने वाली है, नक्सल प्रभावित इलाका है जगरगुंडा और इसीलिए यह बड़ा फैसला लिया गया और हेलीकॉप्टर से प्रश्न पत्र पहुंचाया गया। 10वीं और 12वीं की परीक्षा शुरू होने जा रही है कल से और इसी वजह से बड़ा फैसला लिया गया। चूंकि नक्सल प्रभावित इलाका है जगरगुंडा, इसीलिए हेलीकॉप्टर से प्रश्न पत्र पहुंचाया गया और हर बच्चा शिक्षित हो, इस उद्देश्य से जिला प्रशासन के पहल से जिलाधीश के कुशल मार्गदर्शन तथा जिला शिक्षा अधिकारी के कुशल नेतृत्व में जगरगुंडा परीक्षा केंद्र में हेलीकॉप्टर के द्वारा प्रश्न पत्र को भेजा गया है और उस परीक्षा केंद्र में सारी तैयारियां कर ली गई है। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों के लिए एक अच्छी खबर है। क्रिकेट से जुड़े खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी पहल की गई है। आईपीएल के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग यानी कि सीसीपीएल होने वाला है। क्रिकेट संघ प्रदेश में सीसीपीएल आयोजित करेगा। प्रीमियर लीग में 6 टीमें शामिल होंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रीमियर लीग में सिर्फ छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। विजेता टीम को 31 लाख और उपविजेता को 21 लाख रुपए की पुरस्कार राशि भी दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक खास खबर है और अच्छी खबर भी। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में। ये वही स्टेडियम है जहां पर अब आईपीएल की तर्ज पर सीसीपीएल होगा। सीसीपीएल यानी छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग। जी हां, इस प्रीमियर लीग में कुल 6 टीमें होंगी और इन 6 टीमों के बीच में 18 मैच खेले जाएंगे और जो जीतेगा उस टीम को 31 लाख रुपए का इनाम मिलेगा और जो उपविजेता टीम होगी उसे 21 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इस आईपीएल की तर्ज पर होने वाले सीसीपीएल में खास बात यह है कि यहां सिर्फ छत्तीसगढ़ के जो खिलाड़ी हैं उन्हीं को मौका दिया जाएगा और जैसे आईपीएल में खिलाड़ियों की बोली लगाई जाती है, इस सीसीपीएल में भी वैसा ही देखने को मिलेगा। तो आप भी तैयार हो जाइए जून में होने वाले इस सीसीपीएल यानी कि छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग को देखने के लिए। कैमरा पर्सन नवीन के साथ विश्व शुक्ला, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और इसी के साथ ही यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं और भी खबरों के साथ।